equal to 6. There were 6 antennas mounted on the array, and the distance between two antenna elements was pi by 2, and the angle of maximum radiation, as was given in the problem, was 60 degrees or pi by 3. प्रीवियस लेक्चर में नल पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे. सो फर्स्ट यूजिंग द एंगल ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन वी फाउंड अल्फा टू बी माइनस पाई बाय 2. कितना था? माइनस पाई बाय 2. And also there were two values which we found, psi start. Psi is basically a virtual angle. Array factor and also the antenna pattern depends upon psi. But psi has no physical value in the antenna system. एंटेना सिस्टम में फिजिकल वैल्यू तो हमारे पास एजीम्यूथ डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन होगी, और हम एक एंटेना एरे के ज़रिए एजीम्यूथ डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. जिस एक्सिस पे हमारे पास एरे होगी तो उसी एक्सिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं. मसलन अगर हम एक्स एक्सिस पर ये सामने की तरफ एरे बनाते हैं एंटेना एलिमेंट्स की, इसका मतलब एजीम्यूथ को कंट्रोल करेंगे. और अगर हम कोई एक ऐसी एरे बनाते हैं, लीनियर एरे है ये भी, मगर इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो इसमें हम वर्टिकल एंगल कंट्रोल कर सकते हैं. और एजीम्यूथ एंगल या एजीम्यूथ बीम विड्थ वो कांस्टेंट रहेगी. इसी तरह अगर हम दोनों डायमेंशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर हमारे पास क्या है कि हम एक प्लेनर एरे ले लेंगे. तो प्लेनर एरे दोनों डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकती है. जस्ट द बीम वुड बी आउट ऑफ दिस बोर्ड. रेडिएशन तो आउट ऑफ द बोर्ड्स होंगी अगर ये हमारे पास पैच एंटेनास हैं, पैचेस लगे हुए हैं. तो इस केस में हमारे पास एंटेना एरे अलोंग द एक्स एक्सिस थी. तो अगर अलोंग द एक्स एक्सिस है तो हम एजीम्यूथ डायरेक्शन में बीम को कंट्रोल कर सकते हैं. ये तो पिछला लेक्चर. तो एजीम्यूथ डायरेक्शन में हमारे पास वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ सकते हैं? एक 0 degree, दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड 180 degree, दैट वुड बी द एंड पॉइंट ऑफ द बीम. तो उन दो पॉइंट्स की मदद से हम साई की कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज वो फाइंड करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने फाइंड की थी, तो वो कौन सी वैल्यूज थी? साई स्टार्ट, आप हाँ दोनों को चेंज आपस में कर सकते हैं, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. तो पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय 2, ये दो वैल्यूज थी. इसको सिर्फ इस एक्सेस पर लाने के लिए, जो साई एक्सेस है उस पर थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिव बनाने के लिए मीनिंगफुल, तो इनको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पाई बाय सिक्स हो गई वैल्यू, ताकि वो पाई बाय 6 के उसी में ही आए. कंपेयर करना इजी हो, तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये -9 पाई बाय 6 हो गई. ठीक,
अब ज़रा आसान है हमारे लिए, तो थ्री एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है और माइनस नाइन पाई बाय सिक्स ये पॉइंट, तो इन दो के दरमियान हमारे पास प्रैक्टिकल रीजन एग्जिस्ट करता है। तो अब कितने नल पॉइंट्स हमारे पास प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इस रीजन के अंदर है। साइज इक्वल टू जीरो, दैट वुड बी द साई वैल्यू फॉर विच देर इज मैक्सिमम रेडिएशन। और साई, फिर मैं एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि साई बेसिकली वर्चुअल हमारे पास एक वेरिएबल है, मगर वर्चुअल एंगल है, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है प्रैक्टिकली, मगर एरे फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो साई पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें साई की ज़रूरत है। तो एरे फैक्टर सिंक फंक्शंस हैं, और सिंक पे हमारे पास जब साई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साई की बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। तो ये पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम वैल्यू है, और फिर ये हमारे पास नल हैं। अब ये वाला नल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमारे फिजिकल डोमेन से बाहर है, और फिर ये साइड लोब है जिसके दो नल हैं, फिर ये साइड लोब, हर दो नल्स में एक साइड लोब है, और फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? मैं ये चाहता हूँ कि साथ साथ इस चीज़ को आप समझते जाएं। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम हमने उसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नल पॉइंट्स दैट एग्जिस्ट इन दिस एंटेना सिस्टम और इन दिस एरे सिस्टम, तो वो कितने हैं? हमारे पास ये फाइव पॉइंट्स अमूमन n माइनस वन के बराबर हमारे पास प्रैक्टिकल नल्स होते हैं, या उससे कम होते हैं, एट द मैक्सिमम तकरीबन इतने होते हैं, मगर उससे कम भी हो सकते हैं। फिर भी इस, ये जस्ट एक रूल ऑफ थंब है, इस पर नहीं जाना, आपने प्रैक्टिकली ये काम करना है। अब जो अगला हमारा टास्क है वो है कि फाइंड द डायरेक्शंस फॉर विच देर इज नो रेडिएशन। इट मींस यू विल हैव टू प्रॉपरली लोकेट द पोजीशंस और द एंगल्स वेयर देर आर नल्स। ये फिजिकल एंटेना सिस्टम के अंदर साई तो हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है तो वो है, ये एक्सेस साई का एक्सेस था, तो जो एग्जिस्ट करता है वो है थीटा का एक्सेस। अब यहां पर थीटा की क्या वैल्यू होगी? ये आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो के अगेंस्ट साई स्टार्ट फाइंड किया था ना, और यहां पर थीटा की क्या वैल्यू होगी? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और यहां पर थीटा की क्या वैल्यू होगी? 60 डिग्री। ऐसा ही है क्योंकि मैक्सिमम रेडिएशन, तो ये बीम है। इसी चीज को बाद में हमने जस्ट पोलर प्लॉट पर प्लॉट करना है, और फिर वो एंटेना पैटर्न बन जाएगा। तो एंटेना पैटर्न क्या होता है थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा, मगर हम एरे के लिए कर रहे हैं, हम बाकी एंटेनास के लिए तो एंटेना के किसी कोर्स में आप पढ़ेंगे, हमें तो एरे की प्रोसेसिंग चाहिए कि
एरे की बीम्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके एंगल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें अब ये वाला पॉइंट चाहिए, ये हमारे पास पहला नल है, फिजिकल नल जो एग्जिस्ट करता है फिजिकल एंटेना सिस्टम में। फिर ये दूसरा नल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इनके फिजिकल एंगल चाहिए, और यानी अगर जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का तो वो कंप्लीट हो जाएगा कि फाइंड द डायरेक्शंस फॉर विच देर इज नो रेडिएशन और फॉर विच देर आर नो रेडिएशंस, और फिर हमें अगर अप्रोक्सीमेट पोलर प्लॉट लेना है तो फिर उसके लिए हमें ये तो वैसे ही यानी मैक्सिमम पॉइंट है यानी वन पे रीडिंग आएगी या एन ई नॉट पे रीडिंग आ जाएगी। हमारे पास ई नॉट अगर हम यूनिट पैटर्न ले लेते हैं तो वन है, तो एन इंटू वन यानी इस वक्त हमारे पास सिक्स पे जो रीडिंग आएगी यानी सिक्स पावर जो हमें मिलेगी सिक्स यूनिट्स, तो वो यहाँ पर होगी और बाकी कोरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ आएंगी तो वो अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द साइड लोब्स होगी, तो उनको हम फाइंड करेंगे। तो हमें फिर इसका मतलब है इन पॉइंट्स पर भी एरे फैक्टर फाइंड करना है। अगर मैं इस पॉइंट पर एरे फैक्टर फाइंड करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी उसकी, ज़ीरो आएगी क्योंकि वो तो नल है, और ये साइड लोब्स के जो सेंटर हैं, और या यहाँ पर भी चले वैल्यू हम देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। वही फार्मूला दोबारा लिख लेता हूँ। साई इज इक्वल टू बताएं मुझे 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा डी कॉस थीटा प्लस अल्फा। इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके अब अपना नया फार्मूला बनाते हैं। डी कितना है, लैम्डा बाय 2 और कॉस थीटा और पाई अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो साई इज इक्वल टू पाई कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2। दिस वुड बी द न्यू फार्मूला, और इसी फार्मूला को यूटिलाइज करके साई माइनस प्लस पाई बाय 2 ये वाली वैल्यू इस तरफ आ गई। हमारे पास पाई कॉस थीटा है तो पाई कॉस थीटा तो डिवाइडेड बाय पाई, और ये वाली वैल्यू कॉस इनवर्स हो जाएगी तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो पहली वैल्यू हमारे पास आती है 2π/6 साई, तो 2π/6 इसको भी मैं वो 6 के उसमें ले आता हूँ तो ये 3π/6, तो पहली वैल्यू 2π/6 पहली वाली, हाँ ओवरऑल 5π/6 सॉरी। मैंने इसलिए इसको जानबूझ के 6 बनाया ताकि एडिशन हर दफ़ा इजी रहे, और इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम ना यूज़ करें एग्ज़ाम में अगर कहीं ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ जाती है, 5π/6, पाई तो वैसे ही कैंसिल हो गया और 5π/6, तो कॉस इनवर्स 5π/6 उसी टाइम आप कैलकुलेटर पर फाइंड करें कितना एंगल आता है। आज कैलकुलेटर सबके पास है,
सॉरी, ये रेडियंस में वैल्यू आएगी, मगर वो तो आपके कैलकुलेटर पर डिपेंड करता है कि आपने रेडियन या डिग्री में रखा हुआ है, क्योंकि रेडियन में भी आ सकती है और डिग्रीज में भी आ सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके कैलकुलेटर के मोड से है। 0.99 रेडियन, 0.99 डिग्रीज में है, ठीक है जी, 0.99 डिग्रीज, 1 डिग्री नहीं, पाई तो कैंसिल हो गया, असल में 5/6 कॉस इनवर्स है, हाँ 33.5, नहीं कोई बात नहीं, चले 33.5 डिग्री, ये वाला हमारे पास 60 डिग्रीज ऑलरेडी है, उसके बाद ये वाला पॉइंट, तो -π/-2π/6, तो -2π/6 अगर यहाँ पर रखे तो 1π/6, तो 1/6, डिग्री, -4π/6, तो हमारे पास कितना आ गया, -1π/6, यानी -1/6, तो ये वाली वैल्यू 90 से बढ़ जाएगी जी, 99.5, इसके बाद -6π/6, तो -3π/6, यानी -1/2, तो ये 120 आ गई, और -8π/6, तो -8 -5/6, 146.4 डिग्री। अब जहाँ पर लिख, जिस क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे होंगे, फाइंड द डायरेक्शंस फॉर विच देर इज़ नो रेडिएशन, तो क्या आंसर होगा, 33.5 डिग्रीज, 80.4 डिग्रीज, 99.5 डिग्रीज, 120 डिग्री एंड 146.4 डिग्रीज आर द डायरेक्शंस। इसमें 180 नहीं है शामिल, इसमें 60 डिग्री नहीं है, तो आर द डायरेक्शंस फॉर विच देयर आर नो रेडिएशंस। अब अप्रोक्सीमेट पोलर प्लॉट हम ड्रॉ करना चाहते हैं, पावर पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमें एक तो ये वरी वैल्यूज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मगर हमारे लिए साथ फिर सेंटर भी इम्पॉर्टेंट हैं, साइड लोब्स के सेंटर्स, और साथ एरे फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो एरे फैक्टर के लिए भी एक छोटा सा साथ एक और, तो ये एरे फैक्टर, तो यहाँ पर तो एरे फैक्टर वैसे ही ज़ीरो है, यहाँ पर एरे फैक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि ये कितनी हाइट है इसकी हम नहीं जानते, ठीक है, अगर हमने प्लॉट करना है, और यहाँ पर अलबत्ता ये ज़ीरो है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है, 6 है, अगर हम उसे नॉर्मलाइज नहीं करते, अदरवाइज आप 6/6 करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक, यानी जो भी एरे फैक्टर आए डिवाइडेड बाय 6 करें तो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आएंगे, तो आपकी मर्जी है नॉर्मलाइज्ड रखनी है या नहीं रखनी, मगर ऐसा नहीं करना कि इसके लिए नॉर्मलाइज कर दें और बाकियों के लिए ना करें, सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू है, 0, ये बेसिकली एरे फैक्टर। इसी तरह यहाँ हमें चाहिए वैल्यू, और यहाँ फिर 0 है, यहाँ वैल्यू चाहिए, यहाँ फिर 0 है, यहाँ पर वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी वैल्यू चाहिए, ठीक है,
तो पहले तो वो एंगल फाइंड कर लें ताकि ज़रा ये वाला जो एक्सिस है ये कंप्लीट हो जाए डोमेन। तो ये एक्सिस, अब बड़ी एक आसान सी चीज़ और कॉमन सेंस की है, मगर वो उस तरफ नहीं यूज़ होती जहाँ पर कोई भी लोब वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा। तो यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा है कि ये बड़ा सिमेट्रिकल है सिस्टम। तो अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है तो ये वाला पॉइंट हमेशा इन दो पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में होता है। तो इनको ऐड करें, ज़ीरो आ गया। इसी तरह ये दो पॉइंट्स के दरमियान में है, तो इसी तरह ये दो एंगल्स के भी तकरीबन ये दरमियान में होता है, ठीक है। यानी 33.5 या 0.4 माइनस करें तो इस तरफ, और अगर इसमें मज़ीद प्लस करें तो उस तरफ का पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो तकरीबन ये हाफ पॉइंट होता है। तो इसी तरह अगर ये हाफ पॉइंट है तो ये इनका हाफ पॉइंट होता है। तो ये हाफ पॉइंट कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दें तो इसको 0.5 आप समझ सकते हैं। तो 180 आ गया, तो ये 90 तकरीबन निकल आता है। हाँ जी, 89.95, चलिए बस वो 90 ही हो गया। तो ये तो उनके एंगल आ गए, ये 110 आ गया। और इसी तरह ये वाला तो ऊपर वाला पॉइंट है, ये 160, तो 146.5 डिग्री, और ये पॉइंट तकरीबन 133, बस ठीक है, 0.2 या जितना भी, ठीक है। अब ये वाला प्लॉट, इस वाले प्लॉट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एरे फैक्टर। पूरी क्लास मेरे साथ ही है ना इस काम में, यानी अगर किसी को कुछ भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये एटलीस्ट 20 मार्क्स का तो होगा, तो 1/5 पूरे पेपर का है। और ये क्विज में तो लाजमी बात है कि ये ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन तो नहीं, खैर यानी इसका कोई आधा पार्ट मैं दे दूंगा और साथ दूसरे वाले चैप्टर को भी कवर करना है, तो फिर भी यानी आपकी तैयारी हो जाएगी फाइनल के लिए भी और इसके लिए भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एरे फैक्टर क्या है हमारे पास, साइन एन साई डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय साइन साई डिवाइडेड बाय टू। इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप उसे एब्सोल्यूट करेंगे और नॉर्मलाइज करने के लिए 1/n से डिवाइड हम कर देंगे। अब सबसे पहले के लिए आप इसे यूज करें, अब बाकी साइज की जरूरत नहीं है। मसलन इसके लिए अगर आप यूज भी करेंगे ये 2π/6 के लिए तो 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब आपने सिर्फ उन इन साई के लिए यूज़ करना है। तो साई की वैल्यू जस्ट डायरेक्टली आप रख सकते हैं, तो ये कितना है, माइनस, इसको हम लिखें -3π/6 -5π/6 -7π/6 और ये वाली वैल्यू -9π/6 जी जी माइनस जी जी हाँ तो साइन 0/sin 0 0/0 मैंने आपको कहा है कि वहाँ लिमिट यूज़ होगी। और ये बेसिकली मैंने लास्ट टाइम, शायद आप क्लास में थे या नहीं थे, तो मैंने इसे सिंक बनाया था, तो सिंक की जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमें 0 पर मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से 1 आ जाएगा,
क्लियर हो गया? तो जब वन आएगा तो बेसिकली वो वन एन से मल्टीप्लाई होके वो सिक्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एन, याद है आपको मैंने यहाँ से एन निकाला था, दोबारा उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि इस पर जब सिंक की वैल्यू हम पुट करेंगे एन साई डिवाइडेड बाय टू और एन साई डिवाइडेड बाय टू, अब यहाँ का एन ऊपर चला जाएगा तो एन डिवाइडेड बाय एन वन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय एन करते हैं उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, अदरवाइज एन टाइम्स आ जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, सबको क्लियर है जी? अब पहले के लिए आप वैल्यू यहाँ से शुरू करना है क्योंकि इसकी हाइट हमें चाहिए, तो माइनस थ्री पाई बाय सिक्स, तो माइनस थ्री पाई बाय सिक्स साई की वैल्यू हमने लगाई। तो देखें सबसे पहले तो एन हमारे पास ऑलरेडी सिक्स है, इसलिए सीधा सीधा यहाँ से थ्री, और यहाँ पर चूंकि एन नहीं है जी, तो थ्री साई तो कितना है, माइनस थ्री पाई बाय सिक्स, नहीं थ्री पाई बाय सिक्स, तो थ्री पाई बाय सिक्स तो थ्री पाई बाय टू आ गया, ठीक है। तो थ्री पाई बाय टू साइन थ्री पाई बाय टू, तो थ्री पाई बाय टू, अब आपकी मर्जी है कि उसे डिग्रीज में करें, बहरहाल रेडियन में ही रखें तो ठीक है। इस प्रकार थ्री पाई बाय टू तो यानी फोर पाई बाय टू तो 360 डिग्रीज हो जाएगा, तो ये मेरा ख्याल है 270 डिग्रीज। कितनी वैल्यू क्या आती है, जी जी नहीं, ये जो साइन है इस साइन की क्या वैल्यू है, 0.08, यानी असल में 260 है ना, 270, तो साइन 270 तो 1 होना चाहिए जी जी, माइनस 1 होना चाहिए, हाँ हाँ माइनस 1, क्योंकि 270 है ना, तो 270 माइनस 1 होगा। अच्छा, अब इसका आंसर तो माइनस 1 हो गया, मगर डिवाइडेड बाय साइन 3 पाई बाय 6, पाई बाय टू आ जाएगा, तो इसका भी वन, तो माइनस वन, माइनस वन इसका मतलब है कि ये वन हो गया, तो वन डिवाइडेड बाय सिक्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस नहीं रखना आपने क्योंकि आप तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, तो ये पॉइंट वन सिक्स। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब ये वाली वैल्यू हमारे पास जीरो है, ये वाली वैल्यू अगर हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है, अब ये वाली वैल्यू वन होगी, नॉर्मलाइज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एन, अगर डिवाइडेड बाय एन नहीं कर रहे तो ये वाली वैल्यू वन बनती है और ये सिक्स बनती है। क्लियर है ना, ये भी, ये वाली वैल्यू जीरो है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, वो थ्री पाई बाय सिक्स के लिए था, अब माइनस थ्री पाई बाय सिक्स के लिए, तो आंसर सेम आएगा, साइन वैसे नहीं नहीं साइन साइन एंगल माइनस होगा ना, हाँ ओवरऑल मॉड है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, तो आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी वही वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू वैल्यू आती है यहाँ पर, 0.16, इसके बाद ये 5 है, 5 वाला यूज़ करें, पाई, क्योंकि यहाँ पर असल में इसकी भी वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, उसकी रीज़न असल में क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सिमेट्रिकल सिस्टम है, यानी डिस्टेंस पाई बाय टू है जो बहुत सिमेट्रिकल है,
इसलिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी हमारी वही वैल्यू आएगी जी, और यहाँ भी वही वाली वैल्यू आ जाएगी और तकरीबन यहाँ भी वही वाली वैल्यू होगी, सिमेट्रिकल है जी जी। एंगल का डिफरेंस बराबर है, ये तो पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यू ज़रा ऊपर नीचे है, मसलन 0.499 इस तरह की वैल्यू, ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा टिल्टेड हो सकता है, मामूली सा टिल्टेड हो सकता है। तो अब अगला जो टास्क है वो है पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट आपको गिवन होगा इस फॉर्म में, अगर ना गिवन हो तो आपने एक पेज पर बनाना है। ये वाला सारा काम आपने ज़रा लैंडस्केप पे करना है ताकि क्लियर रहे, एग्जामिनर्स के लिए भी क्लियर रहे। तो पोलर प्लॉट में सर्कल्स मौजूद होंगे, आउटर सर्कल आपके मैक्सिमम को शो करेगा, तो आउटर सर्कल मैक्सिमम और फिर सो ऑन, इनर सर्कल फिर उसी हिसाब से आप तय कर लेंगे अगर लीनियर आप बनाना चाहते हैं। अगर आप नॉन लीनियर पोलर प्लॉट रखना चाहते हैं, यानी नॉन लीनियर यानी डीबीएम में वैल्यूज़ या डीबी में वैल्यूज़, तो फिर आपका मैक्सिमम 0 dB पे हो जाएगा और फिर ये सारी वैल्यूज़ आपने 20 लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। 20 के साथ हम क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि पावर, हम क्योंकि डीबी में तो फिर हम पावर यूज़ करेंगे, इस वक्त ये एम्पलीट्यूड्स हैं ठीक है, तो 20 लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही चीज़ है 10 लॉग के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये 2 यहाँ पर आ जाता है ठीक है। मगर नॉन लीनियर की ज़रूरत नहीं है, लीनियर प्लॉट वुड बी एनफ। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो 0.16 वो तकरीबन इसके अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी, 0.16 यानी 6 वैल्यू यानी 6 सर्कल होगा। नहीं नहीं, 6 या 5 या जितने भी हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आउटर मोस्ट वैल्यू होगी और बाकी वैल्यूज आपने स्केल कर लेनी है, जो भी वैल्यूज आपकी आ रही है, जरूरी तो नहीं है ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो बाकी एंगल्स किसी जगह से आप एंगल शुरू कर दें, मतलब 0 degree यहाँ से शुरू करके 180 यहाँ पर ले आए तो 90 degree का एंगल आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 60 degree का तकरीबन ये एंगल होगा, तो यहाँ से मैक्सिमम बीम आपके पास 60 degrees पर आ जाएगी, तो मैक्सिमम बीम असल में टच कर रही होगी आउटर सर्कल को, और फिर उसके बाद जो एक पॉइंट है, एक जो पहला नल है तो वो यहाँ पर मौजूद है ये, और फिर उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट और बाकी नल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एग्जैक्ट एंगल पर ही होने चाहिए, जो जिन एंगल्स पर वो आए, बहरहाल अप्रोक्सीमेट प्लॉट है क्योंकि एग्जैक्ट प्लॉट तो वो आप बना भी नहीं सकेंगे हाथ से, मगर एग्जैक्ट प्लॉट यही वाला, ये एरे फैक्टर का फार्मूला और साई कैलकुलेट करने का फार्मूला वो देकर आप एक छोटा सा प्रोग्राम अगर लिखेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट प्लॉट आएगा, यानी कंप्यूटर उसे प्लॉट कर देगा ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द एंटेना पैटर्न ऑफ एन एरे सिस्टम, अ स्मार्ट एंटेना सिस्टम। और अगर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है,
इसलिए बिल्कुल एक साइड पर हमारे पास मैक्सिमम बीम आ रही है। अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो, अल्फा हर दफ़ा वेरी करता रहे और वो डिपेंडेंट हो अपॉन द एंगल ऑफ अराइवल फ्रॉम द रिसीवर साइड, रिसीवर फीडबैक भेजता रहे और उसकी बेसिस पर हो, उसके पोजीशन पर बेस्ड हो और अल्फा चेंज होता रहे, तो फिर ये जो बीम है ये भी चेंज होती रहेगी इन रियल टाइम, एंड सच सिस्टम वुड बी द स्मार्ट एंटेना सिस्टम, द एडेप्टिव एंटेना एरे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये डाइवर्सिटी के लिए यूज होते हैं और इनको फ्यूचर में इनका यूज़ शायद ज़्यादा हो, क्योंकि बाकी डोमेन्स तकरीबन वो फुल हो चुकी हैं और हमारे पास जो डोमेन इस वक्त खाली है तो वो स्पेस डोमेन है। हाँ, यानी ये फिर उस पर एंटेना सिस्टम में अगर ये इंफॉर्मेशन हम डाल दें, मसलन कि किसी एक, हमें अगर पता चल जाए कि इंटरफेरर जो है वो किसी एक एंगल पर एग्जिस्ट करता है, तो हम नल को खुद वहाँ पर इम्पोज करेंगे कि यहाँ पर ही आए फोर्सफुली, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए सिंपली आपको ज़ीरो फोर्सिंग एल्गोरिदम लगाना होगा, यानी एरे फैक्टर को ज़ीरो फोर्स करेंगे खुद उस एंगल पर। तो एडेप्टिव सिस्टम असल में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो नहीं, तो ये जो मेन लोब थोड़ा सा शायद टिल्ट हो मगर डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। बेसिकली ये जो साइड लोब्स हैं ये थोड़े बड़े और छोटे हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ऐसा हम अभी डिस्कस भी करते हैं अपनी स्लाइड्स में। का कौन सा दिन रखा जाए? थर्सडे ही बेहतर है, 6 o'clock ये थर्सडे, क्योंकि असल में ये ट्यूसडे को शायद क्लास ही ना हो। हाँ, तो आई सेट कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस में तमाम क्लास वेलकम है, वो अगर कॉन्फ्रेंस में कोई आना चाहे तो ज़रूर आए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो ये मरगला होटल में होगी और इसमें कम्युनिकेशन के भी सेशंस होंगे। कम्युनिकेशन का सेशन शायद 10 दिसंबर को है, मगर उससे पहले एंटेना के भी और नेटवर्क्स के भी सेशंस हैं। तो कंट्रोल का सेशन पहले दिन भी है और दूसरे दिन भी है, तो आप लोग आ सकते हैं। एवरीवन इज़ वेलकम टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। So these three formulas are very important for drawing approximate antenna pattern for any antenna system: array factor and to find the null points, so the psi values, and then
psi with respect to the phase shift. So the unit pattern, यानी हम अगर किसी एक एंटेना एलिमेंट को अकेला काम करने दें इंडिपेंडेंटली, तो वो तो एक डायपोल एंटेना होगा और उसका जो प्लॉट आएगा वो बिल्कुल एंटेना पैटर्न एक डायपोल जैसा होगा, और डायपोल थोड़ा सा वो ओमनी डायरेक्शनल से मामूली सा डायरेक्शनल होता है, यानी ओमनी डायरेक्शनल तो फुली डायरेक्ट यानी नॉन डायरेक्शनल एंटेना होगा, आइसोट्रॉपिक एंटेना होगा, मगर ये थोड़ा सा डायरेक्शनल होता है तो डायपोल, मगर फिर भी हम उसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक नॉन डायरेक्शनल एंटेना है। मगर आप देखें कि जब एंटेना एलिमेंट्स को, डायपोल एंटेना एलिमेंट्स को हम मिला के एक एरे बनाते हैं तो वो टोटली डायरेक्शनल एंटेना सिस्टम बन जाता है और उसकी डायरेक्शंस को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस केस में एरे फैक्टर बेसिकली डिपेंड किस पर करता है, साई पर डिपेंड करता है, और साई फर्दर किस पर डिपेंड करता है, वो एंगल पर, फिजिकल एंगल पर, और इसके अलावा फेज शिफ्ट पर। और फिजिकल एंगल किसका फिजिकल एंगल, रिसीविंग पॉइंट का फिजिकल एंगल, पॉइंट पी जो हमने डिस्कस किया था डेरिवेशंस में। एंड ऑल्सो इट वुड डिपेंड अपॉन दीज वैल्यूज एज वेल, एंड दीज वैल्यूज आर द फर्स्ट वैल्यू, द सेपरेशन बिटवीन टू एंटेना एलिमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दिस सेपरेशन इज चेंज्ड, देन द बीम विड्थ एज वेल एज द नल पॉइंट्स एंड द साइड लोब्स वुड बी चेंज्ड, एंड देन द फेज शिफ्ट एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ एंटेना एलिमेंट्स। Number of antenna elements can be increased, but correlations between antenna elements would also be increased. And those correlations can decrease the efficiency of the antenna system if we increase the antenna elements further beyond some critical point. बीम विड्थ कम होती जाएगी, शार्प बीम बनती जाएगी, मगर इतने ज्यादा साइड लोब्स आने शुरू हो जाएंगे, साइड लोब्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मेन लोब पर जो पावर है तो वो कंसंट्रेट नहीं करेगी। हाँ, नंबर ऑफ एंटेना, मैंने एक रफ सा आइडिया दिया है, बहरहाल वो रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब उसको कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम द सिनेरियो वुड बी लाइक रूल ऑफ थंब, बट इट इज नॉट थ्योरेटिकल। तो वो क्या है कि n माइनस वन फिजिकल नल्स वुड एग्जिस्ट इन एनी एंटेना एरे सिस्टम। जी नहीं, वो तो ये तो अभी फिक्स्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एडेप्टिव पर जाते हैं आगे। वो तो हम जीरो फोर्सिंग एल्गोरिदम वहाँ पर लगाएंगे कि नल को वहाँ पर एंटेना एरे फैक्टर को हम फोर्सफुली ज़ीरो बनाएंगे। जब इसको ज़ीरो बनाएंगे एरे फैक्टर को, तो बेसिकली साई की वैल्यू खुद ही एडजस्ट होगी। देखिए इस टर्म को अगर मैं चाहूँ, बाकी तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, एन फिक्स है, तो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसे ज़ीरो करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं साई की वैल्यू अब एडजस्ट करूँगा, तो जो एडेप्टिव सिस्टम होगा वो साई की वैल्यू फिर एडजस्ट करता है। तो साई की वैल्यू एडजस्ट करने के लिए उसे फिर किस चीज़ में चेंज करना होगा, उसे अल्फा को चेंज करना होगा, और सिर्फ अल्फा को ही नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे पास इस बीम को स्विच करवाने के लिए तो जो डेटा, जो डेटा होगा जिस पर एरे फैक्टर डिपेंड करेगा, वो ये वाली वैल्यूज़ हैं, और थीटा एम
is the angle of maximum radiation, the direction of maximum radiation, and it depends upon the receiving point. Yani receiving point ki jo direction hai transmitter se, wo asal mein theta m set karegi. Agar receiving point move kar raha hai और हम वही चाहते हैं कि उसको ट्रैक करे, एडेप्टिव सिस्टम हो, तो थीटा एम साथ ही साथ चेंज होता जाएगा. और अगर थीटा एम चेंज होता जाएगा, डी तो कांस्टेंट होता है, तो फिर क्या चेंज होगा? अल्फा, क्योंकि डी कांस्टेंट है. इसके अलावा एंटेना एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंटेना एलिमेंट्स वो भी कांस्टेंट है, तो फिर लाजमी बात है कि थीटा के साथ साथ अल्फा चेंज होगा और अल्फा को चेंज किया जाएगा और इस तरह ये ट्रैक करता जाएगा. इस केस में अल्फा इज इक्वल टू जीरो है. इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सामने रेडिएशन है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है. वो जो हम ए एच की वैल्यू निकालते हैं वो यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर वेव निकली या यहाँ से निकली किसी भी एंटेना एलिमेंट से, उसने सीधा सामने जाना है. इफ साइज इक्वल टू ज़ीरो देन एरे फैक्टर वुड बी 1+1+1 अप टू एन, यानी n के साथ मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स हमारे पास फिर यूनिट एंटेना पैटर्न आ जाएगा. और साइज इक्वल टू ज़ीरो जो होगी वो हमेशा हमें मैक्सिमम डायरेक्शन की तरफ रेडिएशन प्रोवाइड करेगी, जिसको हमने थीटा m रखा हुआ है, और बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. इसी तरह ये एक और एंटेना एलिमेंट सिस्टम है जिसमें थीटा एम पाई बाय थ्री है, यही वाला जैसे हमने डिस्कस किया है. डी पाई बाय टू है, एन सिक्स है, तो ये वाला है कि जिसे अब हमने फाइंड किया है. तो अब अगर हमारे पास n एलिमेंट्स की एरे हो, ये हमारे पास सोर्स है, तो ये फेज शिफ्ट भी, और अगर मैं करंट हर एंटेना एलिमेंट को जो करंट दे रहा हूँ अगर उसकी वैल्यू को भी चेंज कर दूँ, उसके एम्पलीट्यूड को अगर चेंज कर दूँ, तो मैं इंटरफेरर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, साइड लोब्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, साइड लोब्स की हाइट्स को भी. अभी तक हम सिर्फ एंगल को कंट्रोल करना सीख रहे थे, तो एंगल सिर्फ फेज के साथ कंट्रोल होता है सेम एम्पलीट्यूड देकर. मगर अगर मैं हर एंटेना एलिमेंट को डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी प्रोवाइड करूँ, तो फिर साइड लोब्स की वैल्यूज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इंटरफेरर को भी कंट्रोल किया जा सकता है. तो इंटरफेरर की तरफ नल दिया जा सकता है. तो इस केस में हमारे पास फिर जो फेज शिफ्ट अब सिर्फ नहीं होगा, फेज शिफ्ट तो सिर्फ एंगुलर वैल्यू थी जिसे हमने पहले यूज़ किया था, अब साथ एम्पलीट्यूड में भी चेंज आ रहा है. इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड यानी अटेनुएट मैं कर सकता हूँ करंट को, ठीक है, और करंट को एटेनुएट करने के लिए बेहतरीन मैकेनिज्म क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, ठीक है. तो पोटेंशियोमीटर एक आसान सा सिस्टम, तो वो दिया जा सकता है. तो पोटेंशियोमीटर असल में ये काम करेगा और बाकी जो फेज शिफ्टर है वो उसके साथ काम कर रहा है. तो जब हम एम्पलीट्यूड भी साथ, पहले तो एम्पलीट्यूड वन था इसलिए सिर्फ फेज था, अब अगर एम्पलीट्यूड का भी यूज कर रहे हैं और फेज का भी यूज कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. और एडेप्टिव सिस्टम्स में हम कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स ले सकते हैं, एडेप्टिव फिल्टर के कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. एडेप्टिव फिल्टर थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है वो इसको शायद डिटेल के साथ समझते होंगे. और बाकी वैसा ही एंटेना सिस्टम है.
तो अगर ये वाला केस लिया जाए, पहले तो ये चीज बीच में नहीं थी, काफी सिंपल था, मगर अब जब हमारे पास एम्पलीट्यूड भी है तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और कॉम्प्लिकेटेड। और उसी तरह हम साई नॉट की वैल्यूज ले सकते हैं जैसे पहले हमने लिया था, तो साई नॉट की वैल्यूज उसी तरह हैं और बीटा एक सेकंड हमारे पास नंबर आ गया। तो बेसिकली इसके साथ जो आगे अल्फा यूज़ हो रहा है वो इसी के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसका एक तो मैग्नीट्यूड भी है और एक इसका फेज है, और फेज इसमें ऐड हो जाता है तो वही पुराने वाला सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये अब प्रॉपर एक स्मार्ट एंटेना की तरफ हमारा कदम है, क्योंकि स्मार्ट एंटेना में स्मार्ट एंटेना सिस्टम ऐसा होगा जिसमें फुली इंटेलिजेंट होगा, उसमें टोटल कंट्रोलेबल सिस्टम होगा। तो अगर एक स्मार्ट एंटेना उसी की तरफ हम जाते हैं तो बेसिकली उसी तरह Z में जब हम उनको यूज करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, और इसी को अगर यूटिलाइज किया जाए तो Z ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ किया जाए तो बेसिकली एक फिल्टर बन गया सिंपल सा, जिसमें इनपुट मौजूद है और आउटपुट है और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन एफ ऑफ Z है। तो हमने ई नॉट उसे दिया और उसने ई पी वहाँ से आउट हुआ, तो एक फिल्टर मॉडल। और कौन सा फिल्टर मॉडल है? एफ आई आर फिल्टर मॉडल। ठीक है, LMS जो अडेप्टिव फिल्टर है, लीस्ट मीन स्क्वेयर अडेप्टिव फिल्टर, तो वो बेसिकली FIR मॉडल किया जाता है उसे। ADC जिन्होंने स्टडी किया है उसमें तो हमने इक्वलाइजर को FIR मॉडल किया था, याद है, जिसमें टैप्स मौजूद हैं, तो टैप्स मल्टीपल टैप्स, तो इस केस में हमारे पास कितनी टैप्स हैं? N टैप्स। ये पहले वाली टैप है जो हम बगैर यानी बगैर फेस शिफ्ट के या फिर डिले के हम दे देते हैं, और उसके बाद बाकी जो टैप्स हैं, और ये उन टैप्स के फिर वेट्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, और कोएफिशिएंट्स कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो आस्ता आस्ता कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट प्रॉपर। अब ये एक टोटल प्रैक्टिकल सिस्टम है, तो ये आपने बनाना नहीं है, जस्ट ये समझाने के लिए है। तो एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, और प्रैक्टिकल सिस्टम में हमारे पास क्या चीज़ होती है? डिजिटल डाटा है। डिजिटल डाटा तो या तो एक एंटेना एरे रिसीविंग भी हो सकती है और ट्रांसमिटिंग भी हो सकती है। अगर ट्रांसमिटिंग है तो यहाँ से यूं सिस्टम जाएगा इस तरफ को, और अगर रिसीविंग है तो फिर सिस्टम इस तरफ से, यहाँ से वेव आएगी और वो उस वेव यानी कुछ कैरियर फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, कैरियर फ्रीक्वेंसी से हम उसे यानी अलग करेंगे या डाउन कन्वर्शन करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बाद उसके इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और फिर इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट से जब हम डाटा उतारेंगे, ठीक है, डीमॉडुलेशन, असल में डीमॉडुलेशन, ये यहाँ भी इसको भी डीमॉडुलेशन कहा जाता है, मगर ये ज़्यादा बेहतर ये है कि इसे डाउन कन्वर्शन कहा जाए, कि हम डाउन कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अप किया था और यहाँ पर डाउन कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रोवेव से। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन, असल में यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को उतार रहे हैं कैरियर से, तो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रॉपर कैरियर है। तो यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन को डीमॉडुलेट किया, और डीमॉडुलेट करने के बाद अब इन्फॉर्मेशन आई, और उस इन्फॉर्मेशन को फिर एक डिसीजन डिवाइस को दे दिया। एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने डिटेल के साथ ये वाला पोर्शन पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को जब फाइंड किया था, और ये एक क्यू क्वैम या क्यू पी एस के सिस्टम। तो उसके बाद हमारे पास दो सिंबल्स
हम यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं। उन दो सिंबल्स जो हमारे पास आ गए, तो बेसिकली ये डिजिटल डेटा है। इसी डेटा को हम यूटिलाइज भी कर लेते हैं बाज़ुकात एंगल ऑफ अराइवल एस्टिमेशन और बाकी मैकेनिज्म्स के साथ, ठीक है। मगर ये एक प्रोसीजर होगा, एक प्रोसीजर। अब बेसिकली यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, तो जो बीटा और उसमें, तो वो एंटेना सिस्टम के ऊपर होगी, और उस एंटेना सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर, असल में हम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन हम एस्टीमेट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से फाइंड करेंगे। मसलन अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन वो कैपेसिटी मैक्सिमाइजेशन के ज़रिए या डिटेक्शन मैक्सिमाइजेशन के ज़रिए या लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के ज़रिए हम एक क्राइटेरियन यहाँ सेट कर दें, तो ख़ुद ब खुद बीम वहाँ पर जाके सेट हो जाएगी कि जहाँ पर हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें मिनिमम बिट एरर रेट मिल रहा है। तो ये जो डिले और गेन की वैल्यूज़ वो सॉफ्टवेयर ख़ुद ब खुद सेट कर लेगा, या एडेप्टिव एल्गोरिदम ख़ुद ब खुद सेट कर लेगा। और उसी एडेप्टिव एल्गोरिदम शुरू में ट्रेनिंग हम करेंगे, ट्रेनिंग बिट्स आएंगी, ट्रेनिंग बिट्स के साथ हमें उसकी डायरेक्शन कन्फर्म हो जाएगी कि हमारे ट्रांसमीटर की डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। और फिर रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वुड बी डन विद दैट स्पेशल सिग्नेचर। स्पेशल सिग्नेचर क्या होंगे? इनकी तमाम एंटेना एलिमेंट्स की वैल्यूज़, तो वो हमारे पास स्पेशल सिग्नेचर्स बन जाएंगे। फिर जब दोबारा अगर मूवमेंट होती है ट्रांसमीटर की या रिसीवर की मूवमेंट होती है, तो हमारे पास फिर एरर आने शुरू हो जाएंगे, दोबारा हम ट्रेनिंग का एक सेशन शुरू करेंगे। ट्रेनिंग बिट्स कोई 10 या 20 बिट्स, उसके ज़रिए फिर अगली लोकेशन उसकी सेट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई एंगल ऑफ अराइवल एस्टिमेशन का कोई और क्राइटेरिया नहीं है, तो हम अपने डेटा की मदद से ही ये काम कर सकते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए। तो एडेप्टिव एल्गोरिदम ट्रेनिंग के ज़रिए काम करते हैं। जी, बिट लेवल पर, क्योंकि हमारे पास अगर एरर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो बीम है, जहाँ से हम इस वक्त, क्योंकि रिसीविंग एंटेना की बीम, लेट्स से ट्रांसमीटर यहाँ पर मौजूद है और मोबाइल यहाँ पर है, इस मोबाइल ने रिसीविंग बीम यहाँ पर सेट की हुई है, जो कि ट्रांसमीटर की डायरेक्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होगा वो बहुत हाई होगा। तो अब ये आस्ता आस्ता अपनी बीटा की वैल्यूज़ को सेट करता जाएगा। बीटा की जो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ हैं, उसमें साइड लोब्स को ये एडजस्ट करेगा, या फिर इंटरफेरर को नल पॉइंट देगा, और ये करता करता ये चेंज करेगा अपने एंगल्स को, और आखिरकार जब उसका यहाँ पर एंगल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अपनी मिनिमम लेवल पर आ जाएगा, यानी एमएमएससी लेवल पर आ जाएगा, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर के लेवल पर। तो जब ये आ जाएगा मिनिमम मीन स्क्वायर एरर पर, तो यहाँ पर जो उसके स्पेशल सिग्नेचर्स होंगे, जैसे एडेप्टिव मल्टी यूज़र डिटेक्शन में हमने सिग्नेचर्स, जो CDMA के सिग्नेचर्स थे, उनको एडेप्टिवली एस्टीमेट किया था, ठीक है। और वहाँ पर फिर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, और कम्युनिकेशन उस वक्त तक रहेगी जब तक सिग्निफिकेंट एरर ना आए, फ्रेम बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड ना करने पड़े। जैसे ही सिग्निफिकेंट एरर शुरू हो जाएंगे, दोबारा हम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, वो फिर अपने आप को सेट करेगा, एडजस्ट करेगा सिग्नेचर्स को, एडजस्ट करेगा स्पेशल सिग्नेचर्स को। तो अगर देखा जाए, तो ये तो फिजिकल स्पेस को यूज़ कर रहा है, SDMA सिस्टम है, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
मगर CDMA में भी तो ऐसा ही होता है, अडैप्टिव CDMA में, और CDMA वो वर्चुअल स्पेस को यूज करता है। तो बात असल में एक ही है, स्पेस है। और कोई क्वेश्चन? तो अब इस सिस्टम को थोड़ा सा जरा और कॉम्प्लिकेट मामूली सा करते हैं, वो ये कि सेम बेस स्टेशन के जरिए, सेम बेस स्टेशन, इस बेस स्टेशन जिसमें जिसके तहत कई मोबाइल यूज़र काम कर रहे हैं, तो उसी एंटेना सिस्टम के ज़रिए हम कई मोबाइल्स को उनकी रिस्पेक्टिव बीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी यूज़र SDMA सिस्टम बन जाता है, जिसमें मल्टीपल यूजर्स वो अकोमोडेट किए जाते हैं ऑन डिफरेंट एंगल्स। तो इन सब को वो अकोमोडेट जब करता है तो हमारे पास फिर एक प्रॉपर फिर मैट्रिक्स बनती है स्पेशल सिग्नेचर्स की सब यूजर्स के। तो स्पेशल सिग्नेचर्स की फिर पूरी मैट्रिक्स जिसमें कई यूज़र के स्पेशल सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं, और ये फिर एक सेंट्रलाइज्ड अडैप्टिव सिस्टम बन जाता है एट द बेस स्टेशन साइड। जी, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा, और एस मैट्रिक्स उसी तरह स्पेशल सिग्नेचर्स की मैट्रिक्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे CDMA में एस मैट्रिक्स वो सिग्नेचर मैट्रिक्स थी, कोड्स की मैट्रिक्स थी। नहीं, एक बीम नहीं, मल्टीपल बीम्स। जी जी, अलग अलग बीम्स होंगी यूजर्स के लिए। हाँ, एरे कंपोनेंट्स, यहाँ वही चीज़ कि ये स्पेशल सिग्नेचर्स आपस में कितना ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, जितना उस कोड की लेंथ है, और कोड की लेंथ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एंटेना एलिमेंट्स पर। हर एंटेना एलिमेंट का सिग्नेचर के अंदर एक एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एक उसका एंगल है, उसका अपना अपना फेज शिफ्ट है बेसिकली। तो फिर कितने हमारे पास एलिमेंट्स हुए उसके, यानी सिग्नेचर के अंदर जितने एंटेना एलिमेंट्स हैं, तो एंटेना एलिमेंट्स अगर हम 8x8x8 का सिस्टम है, यानी 8 एंटेना एलिमेंट्स हैं, तो फिर 8 यूजर्स को ऑर्थोगोनली वो उनकी जो बीम्स बनेंगी वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगी, और उनके सिग्नेचर्स ऑर्थोगोनल होंगे, और उनके आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर 8 से हम ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ जी जी, अब यहाँ जी 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 जी, यहाँ दूसरा, यानी दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये कि अब अगर लाइन ऑफ साइट मौजूद ही ना हो, ये वाला सिस्टम हो ही ना, क्योंकि शहरों में, अर्बन एरियाज़ में जहाँ हमें कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो वहाँ तो असल में लाइन ऑफ साइट शायद ना मौजूद हो, तो ऐसे केसेस में जहाँ जिस एंगल से मैक्सिमम सिग्नल पावर मिल रही होगी एक एंटेना सिस्टम को, मोबाइल के एंटेना सिस्टम को या बेस स्टेशन के एंटेना सिस्टम को रिसीविंग, तो वो अपनी बीम उसी तरफ करेगा, सेट करेगा, क्योंकि उसे तो ये मालूम नहीं। मसलन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक खिड़की वहाँ पर खुली हुई है, और उस खिड़की से सूरज की रोशनी टकरा के सामने दीवार पे पड़ती है, और दीवार पे एक मिरर लगा हुआ है, तो मैं असल में उस सूरज को तो इस मिरर से देख रहा हूँ। मेरे लिए तो सूरज इस मिरर के अंदर है, मेरे लिए सूरज की कोई, क्योंकि सूरज मुझे वैसे तो नहीं नज़र आ रहा, तो मुझे तो सूरज यहाँ नज़र आ रहा है और उसकी रोशनी मेरे तक पहुँच रही है। तो असल में अब अगर रिसीविंग एंटेना उस पॉइंट पर होगा, मेरे पास होगा,
तो मैं रिसीविंग एंटेना को दीवार की तरफ करने की बजाय, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं कहाँ पर करूँगा? इस मिरर की तरफ। तो जहाँ से रिफ्लेक्शन असल में मोबाइल को होती है, तो मोबाइल के लिए सोर्स वहाँ मौजूद होता है, इसलिए बीम्स का रुख भी उस उन रिफ्लेक्टर्स की तरफ होगा जहाँ से मैक्सिमम रेडिएशन उसे मिल रही है। क्लियर? और चूंकि एडेप्टिव सिस्टम होगा, इसलिए अगर एनवायरनमेंट के अंदर मोशन मौजूद है, यानी मूवमेंट्स हैं, मोबिलिटी है, क्योंकि बसेस बाज़ औक़ात उनके मिरर से टकरा के तो सिग्नल्स आएंगे और फिर अगले लम्हे बसेस वहाँ नहीं होंगी, मगर बैक एंड पर हमारे पास एक फास्ट एडेप्टिव सिस्टम है और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिग्नल्स के पाथ को फिर एडेप्ट करेगा। तो फ्यूचर में ये, इसलिए ये टेक्नोलॉजी सेलुलर में नहीं यूज़ हुई अभी तक, उसकी रीज़न यही कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी वो बड़ी हाई है और कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी बड़ी हाई रिक्वायर्ड है, जो कि उतनी उस वक्त नहीं थी, मगर अब आईसी टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स हुई हैं और उसकी एडवांसमेंट वो एक्सपोनेंशियल जा रही हैं, यानी 10 रेज टू पावर्स में एडवांसमेंट्स होती हैं। मसलन अगर कैपेबिलिटी पहले कुछ किलोबाइट्स की थी, फिर मेगाबाइट्स की हुई, फिर गीगाबाइट्स की हुई, फिर टेराबाइट्स की हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है कैपेबिलिटी की, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी की। इस वजह से अब ये सब कुछ पॉसिबल होगा विद मिनिएचराइज्ड मोबाइल सेट्स। इवन पहले तो ये था कि अगर ये सिस्टम हम मोबाइल के अंदर लगाते हैं तो मोबाइल इतना बड़ा बनाना पड़ना था, मगर अब आस्ता आस्ता आईसी टेक्नोलॉजी की वजह से तो ये चीज़ें पॉसिबल होंगी फ्यूचर में। और इसको सेलुलर में पढ़ाने का मकसद भी ये है। जी, बीएस साइट पर तो अडाप्टिव हो सकता है, यानी बीएस साइट पर। और अभी तक जो सिस्टम, जिन सिस्टम्स को प्रैक्टिकली समझा जाता है कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसे वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट किया भी गया है, तो वो ये है कि वायरलेस लैन में जो बीएस है या एक्सेस पॉइंट है, वहाँ पर एडेप्टिव सिस्टम होगा और मल्टीपल एंटेनाज होंगे, और जो मोबाइल यूज़र्स होंगे वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होगा वो, बल्कि अपनी ट्रांसमिशन ओमनी डायरेक्शनल एंटेना के ज़रिए करेंगे, सिंगल एंटेना के ज़रिए, और वो उनके लिए डाउनलिंक में बीम प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा हमें मोबाइल पे डाउनलिंक की ज़रूरत है, अपलिंक की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा डाउनलिंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि डाउनलिंक में ज़्यादा जो मोबाइल यूज़र्स हैं या लैपटॉप यूज़र्स हैं वो ज़्यादा डाउनलोड करते हैं, अपलोड बहुत कम किया जाता है, और अपलोड अक्सर सर्वर्स पर किया जाता है, वो डायरेक्ट कोएक्सियल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ज़रिए किया जाता है। नहीं, मगर हम तो ये कहते हैं ये टेक्नोलॉजी एज अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी अलॉन्ग विद अदर मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। जो बाकी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स तो यानी फुली यूटिलाइज हो गई, अब बाकी जो वहाँ पर जो कैपेसिटी की कुछ गुंजाइश अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है, तो वो गुंजाइश हम इसके ज़रिए पूरी कर रहे हैं। ये हाइब्रिड है, ये टॉप अप है उन टेक्नोलॉजीज़ पर। इसके साथ हाइब्रिड होगा, वो तो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये रिप्लेसमेंट नहीं है किसी टेक्नोलॉजी का। ये तो देखें, एक तो पावर यूटिलाइजेशन एफिशिएंट करता है, पावर इधर उधर यूटिलाइज नहीं होती, बीम्स के अंदर पावर है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिट पावर, और वो फिर इंटरफेरेंस को भी मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि जब आप इधर उधर बीम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसी फ्रीक्वेंसी को आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या चीज़? बीम
तो ये फास्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें तो अभी तक इसका यूज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कम्प्लेक्स था। तो कम्प्लेक्सिटी असल में वो प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से है। तो प्रोसेसिंग स्पीड हाईली रिक्वायर्ड है, इतनी फास्ट रिक्वायर्ड है कि जितनी उसकी मोशन है उसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो जाए कि अभी मोशन यानी अभी उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि लोकेशन अगर चेंज होगी हमें फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम स्लो रखेंगे प्रोसेसिंग को फिर तो हम जस्ट ट्रेनिंग ही करते रहेंगे, ठीक है ना, उसकी पोजीशन को ही एस्टिमेट करते रहेंगे तो ट्रांसमिशन तो नहीं हो सकेगी। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल यूज़ अभी तक नहीं हुआ उस तरह जो होना चाहिए था। तो मल्टी यूज़र सिस्टम मॉडल, फिर हमारे पास पूरी सिग्नेचर की मैट्रिक्स आ जाएगी और उसी इस मैट्रिक्स को बिल्कुल उसी तरह वो सॉल्व किया जाएगा हर यूज़र के लिए, और वही मैकेनिज्म होगा जो हमने वहाँ पर यूटिलाइज़ किया था मड में, मल्टी यूज़र डिटेक्शन, एडेप्टिव मल्टी यूज़र डिटेक्शन। तो फिर इस तरह सिग्नेचर मैट्रिक्स की यूटिलाइजेशन की जाएगी कि हमारे पास सिर्फ, क्योंकि ऑर्थोगोनल होंगी मैट्रिक्स तो इसलिए ज़ीरो मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस आएगा। तो अगर यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस आता है, अगर सिग्नेचर मैट्रिक्स स्पेशल सिग्नेचर्स ऑर्थोगोनल नहीं होते तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ दूसरे यूज़र से भी वैल्यू मिलेगी एंड दैट वुड बी द इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर यूज़र्स, मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस। और ये एक सिस्टम था जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में हमारे ग्रुप ने डेवलप किया था, और ये 900 मेगाहर्ट्ज़ पर एक कंपनी के लिए, जीएसएम की कंपनी के लिए। तो ये एक तो वर्टिकल, इसमें बीम को ख़ास तौर पर नीचे की तरफ बीम को मूव करवाया जा सकता है, और एक हॉरिजॉन्टली बीम को मूव करवाया जा सकता है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर किसी एक एलिमेंट के अंदर फिर उसका एक छोटा सा सिस्टम मौजूद है कि जिसमें फेज शिफ्टर और दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इसी तरह के कुछ हम करवा चुके हैं। तो ख़ास तौर पर जो कैपेसिटी 2G और 3G और फिर 4G कैपेसिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास 3G प्लस में जो रिक्वायरमेंट्स अब आ रही हैं, तो उसी तरह क्योंकि यहाँ से तो हम ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते कोई बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ को हम नहीं बढ़ा सकते। बेसिकली पर हर्ट्ज जो कैपेसिटी है तो उसे बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करके हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पर हर्ट्ज कैपेसिटी हमारे पास वो लिमिटेड है, यानी वैसे तो 1 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी मगर वो 1/10 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि जो यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं अवेलेबल कैपेसिटी की वो जस्ट 10 यानी 10th पोर्शन है उसका, और वो 0.3 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज़ है। मगर जो फ्यूचर में मल्टीपल एंटेना सिस्टम्स के ज़रिए जो कैपेसिटी अचीव की जाएगी तो उसे 30 टाइम्स इंक्रीज़ किया जाएगा। इसका मतलब है 300 टाइम्स अवेलेबल कैपेसिटी जो इस वक्त यूटिलाइजेशन में है तो उसे 300 टाइम्स इंप्रूव किया जाएगा, और विद मल्टीपल एंटेना टेक्नोलॉजीज। तो उसकी इंप्रूवमेंट की वजह से माइमो मल्टीपल एंटेना एरे की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है माइमो भी। तो 3G प्लस सिस्टम्स में पर हर्ट्ज जो बिट्स पर सेकेंड है तो वो 300 प्लस होगा, और वहाँ पर 0.3 है इस वक्त। तो ये इम्प्रूवमेंट्स।